विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या पोर्टलमधून केले ब्लॉक, पालकांनी केला आक्रोश, तर निषेधार्थ शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोर केले आंदोलन। पुण्याच्या ऑर्किडिस द इंटरनॅशनल स्कूलमधील ही घटना। शाळेचे शुल्क भरले नाही म्हणून पुण्यातील उंड्रीच्या ऑर्किडिस द इंटरनॅशनल स्कूलने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या पोर्टलमधून ब्लॉक केल्याची संतापजनक घटना घडल्याने पालकांनी आक्रोश करीत शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने केली। या शाळेने पाठ्यपुस्तकाचे भरमसाठ शुल्क घेऊनही पुस्तके दिली नाहीत असा आरोपही पालकांनी केला आहे। ठराविक पालक वगळल्यास 80% अधिक पालकांनी शुल्क फी भरली असून त्यांना शाळेच्या प्रशासनाविषयी तक्रार नसल्याचे शाळेकडून सांगण्यात आले आहे। दरम्यान कोरोना संकटाच्या महामारीने पालकांच्या उत्पन्नावर मात्र भयानक परिणाम झाल्यामुळे पालकांनी 2020-21 या वर्षाकरिता फी कमी करण्याचे साकडे स्कूल व्यवस्थापनाला घालण्यात आले होते, परंतु या स्कूल व्यवस्थापनाने त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षरा दाखवल्या। यामुळे पालकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून या शाळेविरुद्ध त्यांनी निर्देशन चालू ठेवण्याचाही सांगितले। माझा मुलगा या शाळेत 2 वर्षांपासून आहे, हेतूसाठी ॲडमिशन घेतली होती। सांगण्यात आलं शाळेकडून की फी जोपर्यंत भरत नाही तोपर्यंत आम्ही एक्झाम घेणार नाही किंवा पुढचे क्लासेस कंडक्ट करणार नाही। तर एकदा तुम्ही फी भरा आणि नंतर पूर्ण सगळं सुरळीत चालू होईल, पण आता कोविडच्या ह्याच्यामध्ये आम्हाला फी भरणं पूर्ण शक्य नाही आहे। तर त्यांनी पण त्याचा विचार करायला पाहिजे। 2 वर्षापासून आम्ही पण त्यांच्या सगळ्या गोष्टी सहन करतो, तर त्यांनी पण आमचा थोडा विचार करून पुढची कार्यवाही केली पाहिजे। मेरे बच्चे 3 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं और इनका अभी है कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन कुछ तो फी कंसेशन होना चाहिए ऐसा मैं कह रही हूँ। ये नहीं कि हाँ 100% कुछ तो कुछ कम करो, क्योंकि सबकी सैलरी भी अभी काटी जा रही है ऑफिस होने के साथ, तो आपके स्कूल के टीचर का भी तो कुछ तो सैलरी कटता बनता है, मैं ऐसा कह रही हूँ और कुछ नहीं। इसका पूरा पैसा भरा है, बट हमने साल भर का पूरा बुक्स का पैसा भरा है, बट इन्होंने सिर्फ वॉल्यूम 1 दिया है, सिर्फ एक पार्ट दिया है, बाकी के 3 पार्ट इन्होंने नहीं दिए हैं। आगे का जब हम डिमांड किए तो वो बोल रहे हैं कि आप पैसे भरिए तभी आपको पैसे पूरे बुक्स मिलेंगे, वहाँ पे भी किया है। सेकंड बार जब हम फीस के कंसेशन की बात किए हैं, जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने फीस का ट्यूशन फीस का ब्रेकअप मांगा 90,000 जो कि सेकंड के लिए है, बट उन्होंने बोला कि आप ये वन टाइम ही फीस है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फीस नहीं है, सिंगल फीस है, वो भी उन्होंने बाइफर्गेशन नहीं किया है। क्या उन्होंने आप कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने बोला यही आपकी ट्यूशन फीस है जो 90,000 आपको पे करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आगे कंटिन्यू करे तो यू हैव टू पे द अमाउंट। जब हमने प्रोटेस्ट किया राजीव सर से, 2-3 बार अप्रोच किया, जूम कॉल किया हमने 3 बार, मैं क्लास सेकंड की बात कर रहा हूँ, जो कि पूरे हमारे पेरेंट्स ग्रुप ने हमने एक ग्रुप बना के हमने 50 लोगों ने एक साथ पहले राजीव सर के पास 2 बार हमने अप्रोच किया, तो उन्होंने दिलासा दिया कि हम आपको फी कंसेशन करेंगे, मैनेजमेंट के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। जब लास्ट ईयर का इन्होंने मार्कशीट भी हमें नहीं दिया था, जब हमने प्रोटेस्ट किया तब उन्होंने वो मार्कशीट हमें आगे दिया है, तो ये कंडीशन ये स्कूल की अभी नहीं, क्योंकि अभी आज हम यहाँ पे हैं 150 पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं हमारे साथ, बट एक किसी ने भी यहाँ पे नहीं किया है। हाँ, कब कोई किसी ने थोड़ा सा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, बट बाकी लोगों ने यहाँ फीस पे नहीं किया है। तो ये हमने जूम कॉल कर करके राजीव सर मैडम, प्रिंसिपल मैडम, यहाँ की जो कोऑर्डिनेटर है महक मैडम, सुजाता मैडम, सबके साथ हमने जूम कॉल किया है, बट किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। तब हम फिर आगे जाके ये एस्केलेट कर रहे हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं हमारे हक के लिए। हमने पहली बार तो 3 बार हमने जूम कॉल किया है राजीव सर के साथ, उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तब हम बार बार 3री बार आ जाके हम स्कूल के सामने ये धरना दे रहे हैं कंटिन्यूसली, ताकि कुछ स्कूल हमारी सुने, कुछ सरकार सुने, इसके लिए हमने यहाँ। आणि तरी पण आता कोविडच्या नंतर पण ते फीसाठी वारंवार मागणी करतात आणि हॅरॅसमेंटसारखे कॉल्स येत आहेत शाळेकडून की फी भरली नाही तर ॲडमिशन कॅन्सल होईल। माझ्या मुलाचे ऑनलाईन क्लासेसही थांबलेले आहेत आणि असेसमेंटच्याच दिवशी त्याचे ऑनलाईन असेसमेंट पण थांबली आणि ती पण काही आयडिया न देता थांबवली गेली। आणि असं सांगण्यात आलं की जेव्हा तुम्ही फी भराल तेव्हा आम्ही असेसमेंट आणि क्लासेस पण त्याचे चालू। हम लोगों से जितनी भी फीस मांगी जा रही है, दैट इज़ दे आर आस्किंग अबाउट 1 लाख रुपीज। मेरा बच्चा जो है 3rd क्लास में है, अगर 1 लाख रुपया वो मुझसे मांगते हैं, सबसे पहले मुझे उसका वेरिफिकेशन चाहिए वो किस किस चीज़ का पैसा मुझसे मांगते हैं, और उसके बाद जो भी बाकी के जितने भी चार्जेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस हो गया, MSEB चार्जेस हो गया, प्लेग्राउंड के चार्जेस हो गए या कोई अदर चार्जेस हो गया, सिर्फ एकेडमिक चार्जेस को छोड़कर पहली बात वो लोग लायबल नहीं है हमसे कोई और पैसा मांगने के। दूसरी चीज़ ये कि अगर जब एकेडमिक सेशन जो कि 1 साल का पूरा होता है, यानी कि लगभग 10-11 महीने का जो सेशन होता है, उस सेशन में
अगर अभी ऑलरेडी जो है 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो जब 7 महीने 8 महीने अगर बच्चे स्कूल में आकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हम उनको पूरा पूरा पैसा क्यों दें। बड़ी बात, वो लोग इस तरह से हेडेक कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं कि उन लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो भी बंद कर दी है। हम लोगों ने कोशिश की थी उन लोगों से डिस्कस करने की, बात करने की कि जो भी आपका मुद्दा है, अगर हमें कुछ पेमेंट देना भी है, जैसे भी जो भी है, बात करके सब लोगों ने, गार्जियंस ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की उनसे बात करने की, मिलने की, लेकिन ना तो कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना तो कोई मिलने को तैयार है, ना ही कोई बात करने को तैयार है, कोई क्लेरिफिकेशन देने को कोई तैयार नहीं है। सिर्फ एक मैडम को उन्होंने पीछे लगाया हुआ है सिर्फ पैसे देने के लिए। वो मैडम सबको रिपीटेडली सिर्फ पैसों के लिए कॉल करती हैं और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की तरफ से नहीं दिखाई जाती है।